क्योंकि ये जो लोग हैं ना, आरएसएस हो गई या भारतीय जनता पार्टी हो गई, इनकी असलियत क्या है? इनकी असलियत यह है कि इनसे दलित बर्दाश्त नहीं है। दलितों की, वंचितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत पीछे रह गए हैं। देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को बोला था आरएसएस डिड नॉट असैसिनेट गांधी। कांग्रेस पार्टी दलितों के बारे में यही सोचती है कि बाबा साहब अंबेडकर को 50 साल तक इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया था। चिड़ इसी बात से कि अगर हम हिंदुओं को यूनाइट करने की बात कर ले तो इनको चिड़ है। पर सो रेप वायनाड के अंदर हुए पिछले 5 सालों में, क्या राहुल गांधी ने किसी एक्ट के बारे में बात करी? नहीं करी। ये महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, संविधान विरोधी है। व्यक्ति ने यहाँ पर एक फेक न्यूज फैलाते हुए कहा कि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, बिल्कुल गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग। नेहरू मुसलमानों पर होने वाली किसी अत्याचार की बात तो करते हैं, सही नहीं है। देखिए ये फेक न्यूज़ वालों को समझाइए, जब ये बोल रहे थे फेक न्यूज़ कह रहे थे, मैं इनको तथ्य कर रहा हूँ तो ये एक्सपोज होना चाहूँगा। बोलिए कांग्रेस पार्टी का ऑफिस नहीं है। जय श्री राम भाइयों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल सालिम दुनिया में। तो आज की एक और डिबेट देखने वाला है, बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की डिबेट में फिर से आज गाली वाली बाई की डिबेट में बड़ी अच्छी तरीके से तर्कों के साथ धुलाई होने वाली है, क्योंकि आजकल प्रदीप भंडारी फॉर्म में चल रहे हैं और इस गाली वाली बाई की अच्छी खासी धुलाई भी कर रहे हैं। तो आज की ये वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है, आपसे अंधे के वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमें एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बड़ा आशुतोष, सुप्रिया, ये कौन बटेगा, कौन कटेगा, कौन पिटेगा, ये इस पर राजनीति क्यों हो रही है? ये चुनाव महाराष्ट्र, झारखंड या यूपी का उपचुनाव बटने, कटने, पिटने पर क्यों हो रहा है? मुझे तो समझ ही में नहीं आता है कि 86% इस देश का हिंदू, हमारी संस्कृति 5000 साल पुरानी, हमें आज तक ना कोई काट पाया ना खत्म कर पाया, बीजेपी का राज आते ही हम खतरे में आ जाते हैं और हमारे लिए ऐसे लफ्जों का उपयोग होने लगता है। मुझे तो एक हिंदू होने के नाते बड़ी आहत होती हूं मैं। अरे कौन हमें काट डालेगा, कौन हमें बांट डालेगा? एक हिंदू होकर यह सुनकर आहत हूं कि कटेंगे बटेंगे। अरे हिंदू धर्म, एक हिंदू संस्कृति 5000 साल पुरानी है, आज तक ना कोई काट पाया ना बांट पाया ना खत्म कर पाया है। ये धर्म के जो स्वयंभू ठेकेदार है, ये हमारे संस्कृति, हमारे धर्म के बारे में ऐसे शब्द बोलते हैं, मुझे तो शर्म आती है इन पर। आपको ऐसा क्यों, आपको क्यों लगता है ये क्यों हो रहा है? सुप्रिया, हराया है और फिर हराएंगे। अरे ये तो यूपी के 4 साल के बच्चे से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा। मैं तो फिर भी उम्र में बहुत बड़ी हूं, यूपी का बच्चा बच्चा जानता है कि ध्रुवीकरण जब तक नहीं किया जाएगा, जब तक शमशान कब्रिस्तान नहीं किया जाएगा, जब तक 80-20 नहीं किया जाएगा, जब तक कपड़ों से नहीं पहचाना जाएगा, तब तक कहां से चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी? यह भारतीय जनता पार्टी जो लोगों को कपड़े से पहचान कर बताती है आतंकी कौन है, वही मोदी जी जो मंच से ये बातें कहते हैं, जब बाहर जाते हैं तो शाह और एमीर को गले लगाते हैं, बड़े बड़े सुल्तानों से गले लगाते हैं, हिंदुस्तान के किसी दूसरे वर्ग से गले नहीं मिलते मोदी जी। आपको नहीं पता ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी में चुनाव है, क्योंकि बांटने की राजनीति जो करते हैं वही लोग अब बांटने की बात कर रहे हैं। कौन बांटने की राजनीति करता है? हमारा तो नारा एक है, देखिए मानक जी, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, एक तेरा कदम एक मेरा कदम, मिल जाए तो जुड़ जाए अपना वतन, ये हमारा नारा है। सुप्रिया, बीजेपी का कहना यह है कि आप धर्म के नाम पर हम बांट रहे हैं, हम पर आरोप लगाते हैं। आप भी तो वही करते हैं, जाति के नाम पर बांटते हैं। आपने पूरा लोकसभा चुनाव उसी पर लड़ दिया, ओबीसी, एससी, एसटी, आप हिंदुओं को बांट रहे हैं। जवाब देना चाहती हूं। हाँ बोलिए। मैं इसको इसके जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, आरएसएस हो गई या भारतीय जनता पार्टी हो गई, आरएसएस ने शायद समर्थन किया है योगी जी के शर्मनाक बयान का, इनकी असलियत क्या है? इनकी असलियत यह है कि इनसे दलित बर्दाश्त नहीं है। इनकी असलियत यह है कि जो दलितों को घोड़ी पढ़ना चढ़ने दे वो इनके साथ है, जो दलितों को मंदिर में घुसने ना दे वो इनके साथ है, जो दलितों की मूछें कटवाए वो इनके साथ है। आप इतने खैरख्वाह बने हैं और हम क्यों बात करते हैं? हम दलितों की, वंचितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत पीछे रह गए हैं, क्योंकि हमारे यहां उनके साथ भेदभाव हुआ है और जरूरी है कि हम सब मिलकर उस भेदभाव को खत्म करें, हम जातिगत जनगणना कराएं, हम आरक्षण को समाप्त करने की जो इनकी षड्यंत्र है उसको समाप्त करें। बिल्कुल बोलेंगे क्योंकि मूछ इसलिए नहीं कटाई जा सकती क्योंकि वो दलित था और वो घोड़ी पर चढ़कर ठाकुरों के गांव से निकल गया, ये गलत है, ये उत्तर प्रदेश में हुआ है और इसलिए हम बिल्कुल आवाज उठाएंगे। अरे रुको जरा, मैं आपके सभी प्रवक्ताओं को सुन रहा था, ऑपोजिशन के प्रवक्ताओं को। मानव जी, कांग्रेस पार्टी शुड बी द लास्ट पार्टी जो दलितों की बात करे। ये वही पार्टी है जिसने बाबा साहेब अंबेडकर को अपना पहला चुनाव हराया था। बाबा साहेब अंबेडकर ने 1951 में अपनी रैली में नेहरू जी के लिए शब्द का प्रयोग किया था कि ही इज टर्न्ड इनटू अ मुस्लिम मेनियाक। बाबा साहेब अंबेडकर ने नेहरू जी के लिए कहा था कि ये दलितों की बात नहीं करते। नेहरू जी की एक स्पीच उठा के देख लीजिए जो दलित अपलिफ्टमेंट पे ऊपर नहीं है, पिछले 2000 स्पीच उनकी होगी, उसमें से एक स्पेसिफिक स्पीच उनकी दलित अपलिफ्टमेंट के ऊपर नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर के विचार थे। कांग्रेस पार्टी दलितों के बारे में यही सोचती है कि बाबा साहेब अंबेडकर को 50 साल तक इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया था। कांग्रेस पार्टी
आप दलितों के बारे में यही सोचती है कि सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा इन्होंने 1990 तक नहीं लगाई थी। कांग्रेस पार्टी दलितों के बारे में यही सोचती है कि राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर इन्होंने किसी दलित को जो है कोई दर्जा नहीं दिया, 40 साल तक सब पूरा का पूरा कंट्रोल जो है सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में रखा। तो कांग्रेस पार्टी शुड बी द लास्ट पार्टी, और कांग्रेस पार्टी ने 50 साल तक ओबीसी समिशन को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया तो ये पिछड़ों के भी खिलाफ है, ये इनकी मेन है, ये लोग वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं, पॉइंट नंबर वन। तो ये दलितों की बात ना करें। उत्तर प्रदेश के दलित ने इनको जवाब दिया था जब प्रियंका वाड्रा लड़की लड़ सकती हूं की बात करी थी, 97% सीट्स के अंदर इनकी जमानत जब्त हो गई थी, दलितों ने इनको कहा था हम आपके साथ में नहीं है, और लड़कियों महिलाओं ने भी कहा था आपके साथ में नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश की महिलाएं इनके शासन में नहीं जाना चाहती थी। तो यहां पे उपदेश ना दे। अब बात करते हैं घनश्याम तिवारी जी की। घनश्याम जी सरेआम झूठ बोल रहे हैं। ये रहा राहुल गांधी का पार्लियामेंट के अंदर, ये रहा राहुल गांधी का सुप्रीम कोर्ट को स्टेटमेंट कि आरएसएस डिड नॉट असैसिनेट गांधी, और ये यहां पे झूठ बात कर रहे हैं कि गोडसे और आरएसएस ने करा। घनश्याम जी को अपने शब्द वापस लेने चाहिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरएसएस के ऊपर क्या स्टेटमेंट दिया उठा के देख लीजिए। परंतु घनश्याम तिवारी जी की पार्टी वही पार्टी जो 14 साल की बच्ची का रेप करने वाले मोहित खान, 14 साल की बच्ची का रेप करने वाले मोहित खान को अपनी पार्टी से अभी तक नहीं हटा पाती। देखिए अगर हम हिंदू यूनिटी की बात करें तो इनको चिड़ क्यों मचती है, ये तो अपनी वोट बैंक यूनिटी की हमेशा बात करते हैं, और ये क्यों विभाजन की बात तो ये करते हैं। ये लोग तो कहते हैं कि हिंदू को जाति के अंदर कास्ट सेंसस होना चाहिए, पर मुसलमानों की जाति की क्यों नहीं बात करेंगे, ये इनकी कम्युनल पॉलिटिक्स की सोच दिखाता है। प्रदीप, ये राहुल गांधी का कौन सा बयान बताया आपने, यूनिटी की बात कर रहे हैं आरएसएस को लेकर, राहुल गांधी का कौन सा बयान बताया आपने, ये 24 अगस्त 2016 उठा के देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को बोला था आरएसएस डिड नॉट असैसिनेट गांधी। तो मैं यहाँ पे पढ़ के आता हूँ, यहाँ पे फेक न्यूज नहीं चलेगी, अपोजिशन यहाँ पे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आगे प्लीज जाना चाहता हूँ। मानव जी सीधी बात है, क्या कांग्रेस पार्टी कम्युनल वायलेंस बिल नहीं लेके आई थी जिसके अंदर इन लोगों ने यह करने का प्रयास किया था कि अगर कोई भी दंगा होगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो अग्रेसर होगा हिंदू होगा? क्या कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े वकीलों को नहीं लगाया था राम मंदिर की पिटीशन के अंदर कपिल सिब्बल से लेकर लोगों को, जिससे कि राम मंदिर के अंदर जजमेंट नहीं आ सके? अरे वो छोड़िए, राहुल गांधी ने तो प्रॉमिस किया था कि प्रभु श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा में प्रभु श्रीराम का दर्शन करेंगे। अब तो दीपावली प्रभु श्रीराम टेंट में नहीं मंदिर में बना रहे। अभी तक ना समाजवादी पार्टी ने दर्शन किए ना राहुल गांधी ने दर्शन किए। क्यों? क्योंकि इनकी सोच ये है। राहुल गांधी का स्टेटमेंट नहीं था कि मंदिर के अंदर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है, कि आरएसएस की साजिश 26/11 नहीं कहा गया था दिग्विजय सिंह द्वारा, क्या हिंदू टेरर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था कांग्रेस सरकार के अंदर? तो कैसी ये बातें कर रहे हैं? इन लोगों को चिड़ इसी बात से कि अगर हम हिंदुओं को यूनाइट करने की बात कर ले तो इनको चिड़ है, परंतु प्रियंका वाड्रा एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ती है जहां 35% माइनॉरिटी वोट को यूनाइट करने की बात करती है, साथ में करने की बात करती है, तो दिक्कत है। और महिला पे कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी? वायनाड से जहां राहुल गांधी सांसद थे, केरला पुलिस का डॉक्यूमेंट उठा के देखिए, 500 रेप वायनाड के अंदर हुए पिछले 5 सालों में, क्या राहुल गांधी ने किसी एक की बारे में बात करी? नहीं करी। ये महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, संविधान विरोधी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ठीक है, व्यक्ति ने यहाँ पर एक फेक न्यूज फैलाते हुए कहा कि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, बिल्कुल गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग। न्यूज खर्रे पढ़ के नहीं आने चाहिए। राहुल गांधी ने अपने एफिडेविट में कहा दैट ही हैड नेवर अक्यूज्ड द आरएसएस एज ही हैड नेवर अक्यूज्ड। असलियत यह है कि लौह पुरुष सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया था महात्मा गांधी की हत्या के लिए। असलियत यह है कि उन्होंने लिखित में कहा था यह देश के लिए हानिकारक है। और एक और झूठ बोला गया बाबा साहब अंबेडकर को लेकर। थोड़ा सा हिस्ट्री का 15 सेकंड में बता देती हूं। बाबा साहब अंबेडकर जो थे वो जोगेंद्रनाथ मंडल के सहायता से 1946 में बंगाल प्रोविंस से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए। जब देश का विभाजन हुआ तो वो पाकिस्तान चले जाते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वो सीट पाकिस्तान गई थी। गांधी और नेहरू की पहल पर मुंबई प्रोविंस से हमारे सदस्य का रेजिग्नेशन कराकर उनको वहां से सदस्य बनाकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लाया गया, और वो हमारे देश के ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चेयरमैन बल्कि आगे चलकर पहले प्रथम लॉ मिनिस्टर बने। जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान के प्रथम लॉ मिनिस्टर। प्रदीप भंडारी, ये असलियत है। प्रदीप भंडारी फैलाते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं, लगातार फैलाते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। प्रदीप भंडारी, हरियाणा में ये दलित विरोधी कांग्रेस को दलितों ने जवाब दे दिया। ये फेक न्यूज फैक्ट्री को मैं एक्सपोज करता हूं। ये कहती है बाबा साहब अंबेडकर वर्बैटम स्टेटमेंट कोट करता हूं, 1951-52 के आम चुनाव के प्रचार के दिनार में बाबा साहब अंबेडकर क्या कहते हैं नेहरू जी के बारे में, सुनिएगा। नेहरू मुसलमानों पर होने वाली किसी काल्पनिक अत्याचार की बात तो करते हैं, नेहरू मुसलमान की रक्षा करने के लिए तो पूरी बात करते हैं, परंतु कभी भी दलितों की रक्षा के बारे में नहीं कहते। नेहरू ने दलितों के कल्याण के लिए क्या किया, देखिए ये तरीका सही नहीं है। देखिए ये फेक न्यूज वालों को समझाइए, जब ये बोल रहे थे फेक न्यूज कह रहे थे, मैं इनको सत्य कर रहा हूं तो ये एक्सपोज होना चाहिए। उनको बोलिए कांग्रेस पार्टी का ऑफिस नहीं है, एक ऊपर एक ना बोले नेहरू ने क्या बोला था। अरे आप सुनिए, फेक न्यूज की फैक्ट्री है आप, अब मेरी बात सुनिए। मैं वापस से कोट करूंगा जवाहरलाल नेहरू जी ने के बारे में, अंबेडकर जी ने क्या कहा था, नेहरू 1952 में, नेहरू मुसलमानों पर होने वाले किसी भी काल्पनिक अत्याचार की बात सुनकर किसी को जाते हैं,
कौन गलत अध्यक्ष है, कौन गलत चीफ मिनिस्टर है, एक दलित नहीं है, बात करते हो गलत की, एक दलित मुख्यमंत्री नहीं है, एक दलित मुख्यमंत्री नहीं है, एक दलित मुख्यमंत्री नहीं है, एक दलित मुख्यमंत्री नहीं है। इंदिरा गांधी ने क्या तरीका है ये देखिए, ये गुंडागर्दी हो गई मानक जी शो पे, मानक जी तो बर्बल गुंडागर्दी हो गई, ये तो 40 सेकंड एक एक डेढ़ मिनट तक फेस भी बोल रही थी, वर्बल गुंडागरी तो ना करे ना, इनको समझाइए कांग्रेस पार्टी का ऑफिस नहीं है ये। पित्रा सावित्रा अंबेडकर जी ने अपनी किताब में लिखा है कि कैसे अंबेडकर जी को नेहरू जी ने जानबूझ के चुनाव लड़ाया था, पढ़िए 50 साल तक नेहरू जब बाबा साहब अंबेडकर को क्यों नहीं दिया भारत रत्न, आज सब रिजर्व सीट सामने जा रही थी, दलितों ने इनके झूठ न्यूज को हरियाणा में एक्सपोज करा, झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं, महाराष्ट्र के अंदर भी एक्सपोज होंगे ये, खड़गे जी का किस तरीके से अपमान किया था देखा था हमने वो वीडियो, जब कोशिश कर रहे थे आने के लिए फिर इनको स्पष्टीकरण देना पड़ा था। इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस गाली वाली बाई की हर डिबेटों में इसी तरह धुलाई हो रही है, क्योंकि गाली वाली बाई एक तरीके से ट्विटर पे भी, इसकी अगर अकाउंट भी देखा जाए तो ये दिन भर फेक न्यूज़ की फैक्ट्री चलाती रहती है। वैसे आप लोग गाली वाली बाई को लेकर अपनी कुछ राय रखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो।